ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर 17,480 के आसपास कोई एक नेगेटिव प्राइस सेक्शन मिलता है 4,8500 के आसपास, तो अपन लोग सेल की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ ये देखी थी, नीचे की रेंज ये देख रहे हो आप 17,375 से 400। अभी देखेंगे चार्ट पे, अ ट्रेंड लाइन इज ब्रोकन, ये मैंने आपको टेलीग्राम पे भी शेयर किया हुआ था। अभी देखें चार्ट में हुआ क्या और क्या हो सकता है आगे, और वन डे का चार्ट भी आज हम लोग देखेंगे, सो दैट आगे वीकली भी क्या हमारा बनता है वो देखते हैं। यहाँ कल हम लोगों ने क्या देखा था, ये एरिया एक है जो आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा और यहीं पे समवेयर अराउंड आपका था ये ट्रेंड लाइन। हमने कहा था कल वाली वीडियो में देखना, आप उसमें जाके देख लेना, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने को कहा था, ये टूटेगी तो अपने को सेल साइड का ट्रेड मिलेगा। यहाँ पे ये ब्रेक हुआ और अपने को सेल साइड का मिला। लाइव क्लासेस के जो भी रिजल्ट्स आए हैं, मतलब जैसा भी है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा आज या आज शाम तक, प्रॉबेबली वो आज हो जाएगा, और टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दूंगा। अभी फिलहाल देखते हैं पहले वन डे का चार्ट, सो दैट हम लोग आगे वीक में क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रही है वीकली, उसके बाद फिर डेटा पे भी देखेंगे कैसे बन रही है। सबसे पहले आप अगर एक चीज नोटिस करोगे मार्केट में, बाइंग बहुत आ रही है नीचे से। ये जब भी कैंडल इस तरीके की बनती है, दैट मीन्स क्या होता है, यहाँ पे बायर्स पुश करके ऊपर ले जाते हैं मार्केट को। अगर आप देखोगे इस कैंडल में भी यही सेम चीज़ थी, इसमें भी सेम यही चीज़ थी, इस कैंडल में भी सेम यही था, यही था, और आज बनी है एक डोजी। डोजी मतलब अनडिसाइसिव कैंडल, मतलब किधर की तरफ जाना है उसको समझ नहीं आ रहा मार्केट को। आज बहुत ज़्यादा कॉल राइटर्स एग्रेसिव थे, कॉल और पुट राइटर्स दोनों ही, चाहे वो बैंक निफ्टी हो या निफ्टी की बात है। ठीक है, अगर आप देखोगे दिस इज कम्प्लीटली अ इनसाइड बार। क्या ट्रेड होता है इनसाइड बार में, ब्रेकआउट आता है तो अपन लोग ऊपर की साइड की तरफ ट्रेड ले लेंगे। नीचे का जो है भी आपका सपोर्ट जो आ रहा है, जो वीकली सपोर्ट की तरह भी काम करेगा, वो समवेयर अराउंड ये लेवल है। ठीक है, वो निकल के आ रहा है आपका 17,000 का। तो नीचे 17,000 इस वीक का लोअर रेंज आ रही है, 17,050 के आसपास की। और अपर रेंज की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा, वो आ रहा है आपका 17,800 के आसपास का, 633 पहला है और ये आपका 17,800। अभी हम लोग ऑप्शन चेन पे भी चल के देखेंगे कहाँ पे आ रहा है, वो चीज़ पता चलेगी। ठीक है, अब सिंपल है, बहुत सिंपल ट्रेडिंग हो जाएगी। अब आपको आपको दिखेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे वापस से आते हैं, अब क्लियरिटी मिल जाएगी ज़्यादा। ये वाला जो एरिया है, दिस इज़ योर सपोर्ट एरिया, करेक्ट? कितना निकल के आ रहा है ये 17,200, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। ठीक है, मतलब अगर वीक में कभी भी यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस सेक्शन दिखता है तो अपने लोग बाइंग की साइड जाएंगे। जब आपको याद होगा अभी जब मार्केट कल भी फॉल आया था तो यहीं से वापस हुआ था 165-167 के आसपास से, एक दो सेकंड को था वो लेवल तो खैर, लेकिन वापस से मार्केट ने बहुत तेजी से रिबाउंड कर लिया। यहाँ पे भी वही लेवल है, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है। मतलब ट्रेंड चेंज हम लोग तब मानेंगे जब मार्केट क्लोजिंग बेसिस पे 17,200 से नीचे आ जाए, तब अपन लोग सेल ऑन राइज की तरफ सोचेंगे पहली बार, वरना अभी भी मार्केट बाय ऑन डिप्स की है। बीच बीच में हिकअप्स दिखाती रहेगी ऊपर से नीचे आने में, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव ही है, अभी नेगेटिव ट्रेंड नहीं कह सकते इसको। अगर आप देखोगे तो समवेयर अराउंड ये आपकी एक ट्रेंड लाइन बन रही है, करेक्ट? इंट्राडे में ट्रेंड लाइन अगर टूटती है तो अपन लोग बाइंग की साइड वापस जाएंगे। पहले आज 17,425 है जो लेवल आ रहा है, ठीक है, ये अगर टूटता है तो ऊपर जाएगा, लेकिन ये आपका एक हर्डल है 17,500 के ऊपर। अच्छा, आज मैंने जो शीट में अपडेट किया था वो क्या था, 13,070 के ऊपर आपकी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है, लेकिन मैंने आपको डेटा पढ़ना सिखाया है, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि कॉल साइड के जो थे वो भाग ही नहीं रहे थे, दैट मीन्स शॉर्ट कवर हो ही नहीं रहे थे। तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग डेटा और जब इसको दोनों को साथ मिला दोगे तो बहुत अच्छा ट्रेड बन जाएगा। सेम चीज़ इसमें, जब आपका ऊपर जाना शुरू होता है देखना कॉल लेटर्स भाग रहे हैं, अगर भाग रहे हैं तो वेरी गुड। डाउन साइड का हम लोग तब देखेंगे, मार्केट ये देख रहा है प्राइस एक्शन के साथ नीचे आ रही है, अभी ये वाला स्विंग जैसे टूटेगा क्या लेवल निकल के आ रहा है वो 17,360-350 के आसपास, तो अपन लोग एक स्कैल्पिंग का ट्रेड सेल साइड लेते हैं। लेकिन मैं अभी सेलिंग की तरफ प्रेफर बहुत दिनों से नहीं कर रहा हूँ, आप भी जान रहे बात क्यों, क्योंकि बाय ऑन डिप्स की मार्केट है, मतलब बाय एंड सेल, सेल एंड बाय वाली मार्केट नहीं है कि आप सेल करो बाय करो। ट्रेंड इस तरीके का मिल जाता है कभी कभी आपको, थोड़े से जो फॉल आता है तेजी से आता है, लेकिन अपना क्या सेफ खेलते हैं ना अपन लोग, तो इसकी एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं सो दैट हमको और आइडिया अच्छा मिल जाएगा। 17,600 पे मैक्सिमम कॉल रेटिंग हुई है, जो कि आ रहा है आपका 35 लैक्स, यानी अपर की रेंज अभी भी 17,000, बिल्कुल पिछले हफ्ते की तरह नहीं हो गया, यानी कि आप अगर कुछ देखोगे तो पॉज ले रही है मार्केट अभी, और ये बहुत हेल्दी होता है। बुल ट्रेंड अगर सीधा सीधा भागता हुआ चला जाएगा ना तो भी इशू है, आपको अगर बीच में पॉज ले या थोड़ा सा ऊपर जाए देन आपका नीचे आए, इस तरीके से आपको आना चाहिए मार्केट को, एक रिट्रेसमेंट करना चाहिए, तब ट्रेंड अच्छा बनता रहता है और हेल्दी भी होता है वो। तो ऊपर 17,600 आ रहा है, और नीचे की अगर मैं बात करता हूँ तो
32 लैक्स यहाँ पे इमीडिएट ये काम करेगा और 17,000 ये है, यानी 17,000 से 17,600 की रेंज है अभी जो बन रही है। यहाँ पे 17,400 मैक्सिमम पुट ऐड हुई है, इसका एक मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि 17,400 से नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज होती है, वही 350 जो आ रहा था हमारे लेवल, उसके नीचे आसपास आ जाती है तो अपन लोग स्कैल्पिंग शॉर्ट की तरफ जा सकते हैं। फिर डेटा भी देखेंगे क्योंकि साथ में ये लोग और एग्रेसिव होने चाहिए, तब मान के चलो कि हाँ आपका इंट्राडे में ट्रेंड चेंज हुआ है। ठीक, वैसे करके एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी स्ट्रांग भी ज़्यादा थी और वीक भी जल्दी हो जाती है। ठीक है, मार्केट क्या था, इस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था, हम लोगों ने क्या देखा था इसके ऊपर, अपन बाइंग की साइड पर जाएंगे, मार्केट ऊपर गया नेगेटिव प्राइस एक्शन के साथ, ये आपका नीचे आ रहा है। अभी ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, कंफ्यूज क्यों कर रहा है, कोशिश तो कर रही है बैंक निफ्टी ऊपर जाने की लेकिन कर नहीं पा रही। अगर आप देखोगे ये दिख रहा है आपको, सेलर्स तुरंत आ जाते हैं, ठीक है ना, तो मतलब अगर हम लोग बाइंग फ्रेश की तरफ जाएंगे जो ब्रेकआउट वाले होते हैं वो इसके ऊपर जाएंगे। क्या लेवल आ रहा है आपका, 38,000 के ऊपर, 38,050 के ऊपर, ठीक है, सस्टेन करना चाहिए। इसके साथ देखना मार्केट में अगर पुट राइटर्स एडिशन होने शुरू हो जाए, जो हम लोगों ने शीट देखी थी ना, शीट में जो पुट वाला कॉलम है वो अगर ऐड होने शुरू हो जाएंगे तो अपने को अच्छा ट्रेंड मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि मार्केट में आप देखोगे प्राइस एक्शन करेक्ट इस तरीके से दिख रहा होगा, और मार्केट में अगर आप देखोगे तो समवेयर अराउंड ये लेवल्स आपके रेजिस्टेंस के आ रहे हैं। मैंने ये बात कहा था कि 38,070 के ऊपर आपका ट्रेड जो है बाइंग की साइड आएगा। मैंने बाइंग अगर लाइव मार्केट में पता है कहाँ करी थी, 37,900 के आसपास, और उसका रीज़न बताया था क्यों, बिकॉज यहाँ पे ना रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं था, क्योंकि 200 एकदम से इमीडिएट रेजिस्टेंस थी, देख रहे हो ये लेवल। तो अगर मैं 38,100 पे बाय भी कर लेता, मैंने आपको पहले ही बताया अगर मैं बैंक निफ्टी में बाइंग की साइड जाता हूँ तो मुझे एटलीस्ट 250 पॉइंट्स सही होते हैं, या फिर निफ्टी में मेरे को 70-80 से 100 पॉइंट्स एटलीस्ट सही होते हैं, वरना मैं स्कैल्पिंग नहीं करता हूँ, ठीक है ना। तो सेम चीज़ है, अगर आपको कंफर्टेबली बाय करना है कि हाँ ऊपर है, तो फिर आपका सबसे पहले आप देखो यहाँ मार्केट आया 38,070 के ऊपर, आप हाफ क्वांटिटी बाय कर लो, सो दैट आपका SLB लगेगा तो हाफ का लगेगा, और जब इसके ऊपर आपका जाना शुरू हो जाए डिसाइसिवली पुट राइटिंग ऐड होने के साथ, तो फिर हम लोग क्वांटिटी को ऐड कर लेंगे। एक बार इसकी भी ऑप्शन चेन देख लेते हैं। मैक्सिमम अगर मैं कॉल राइटिंग की बात करता हूँ तो 38,000 पे हुई है, और मैक्सिमम पुट राइटिंग भी 38,000 पे हुई है। दैट मीन्स 38,000 इज अ मेक एंड ब्रेक लेवल। क्यों है, बिकॉज अगर 38,000 के ऊपर जानी शुरू हो जाएगी तो देखना वो और ऐड होने शुरू हो जाएंगे और ये आपकी कॉल राइटिंग्स अनकवर होनी शुरू हो जाएंगी ऐसा करके। अगर इसके नीचे जानी शुरू होगी तो आप देखना यहाँ पे ये एग्रेसिव होने शुरू हो जाएंगे और ये जो है आपके मार्केट से थोड़े थोड़े जाने लगेंगे, तब समझना डाउन ट्रेंड सस्टेन कर रहा है। जैसे आज मार्केट नीचे गई बट ये लोग भाग नहीं रहे थे, ऐसा नहीं था कि भाग रहे हैं, इसलिए जो गिरावट आई वो सस्टेन नहीं कर पाए, मार्केट वापस से रिबाउंड कर गया। ट्रेंड लाइन लिया था, ब्रेक हुई थी जो मैंने दिखाया था टेलीग्राम पे, उसके बाद वापस से थोड़ा सा रीगेन करने की कोशिश करने लगी। क्यों, क्योंकि बिकॉज पुट राइटर्स नहीं जा रहे हैं। तो ये हमारा वो है पूरा बैंक निफ्टी पे किस तरीके से है। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से मार्केट में हम लोग प्राइस एक्शन को देखते हैं, किस तरीके से हम लोग डेटा को पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।